देखो बच्चों, क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिए थे? ये 29th क्वेश्चन कर लिया था आपने या नहीं किया था? चलो, अगर नहीं किया था तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल उसी सिमिलर काइंड का ही क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 30th करवा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30th, ध्यान से देखो। एफ एक्स एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है ये? दिस इज 5, ए एक्स प्लस बी एंड 21, ये है। इफ ऐसा कब है? इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इफ ऐसा कब है? 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 10, 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फंक्शन है। इज कंटिन्यूस फंक्शन, और ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है? कुछ बच्चों ने जो पिछले वीडियोस हैं कंटिन्यूटी के, वो देखे हैं या नहीं देखे हैं? देख लिए हैं दोनों? एक दूसरा भी देखना है आज, देख लेना। देखो बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, और जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनको मैं बता दूं कि ऐसे जब इस टाइप से डेफिनेशन होती है तो मेनली हम इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। कौन से पॉइंट्स पे? कौन से पॉइंट्स पे? जैसे कि 2 पे 10 पे, इन पॉइंट्स पे जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। सो बच्चों, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये थ्रू आउट कंटिन्यूस होगा, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा है तो ये 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूस होगा। सो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2। पहले मुझे ये बताओ, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस। एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 5। क्या आ जाएगा? 5। राइट हैंड लिमिट, अब आई थिंक आपको लिमिट तो फाइंड आउट करनी आ ही गई होगी, तो लिमिट के बारे में तो ज़्यादा डिटेल में ऐसे समझाने की जरूरत है नहीं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स 2 को कहाँ से अप्रोच करेगा? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो एक्स 2 से क्या होगा? ग्रेटर। एक्स अगर 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मतलब उस केस में एक्स 2 और 10 के बीच में होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पर अगर एक्स को आप 2 पुट करेंगे तो ये 2 ए प्लस बी, ठीक है? राइट बच्चों, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेफिनेटली किसके इक्वल होगी? राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ सकता है? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा, राइट? एंड बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू 10, एट एक्स इज इक्वल टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस। एक्स किसको अप्रोच करेगा? 2 को। कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। एक्स 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ए एक्स प्लस बी।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये होगी, सॉरी ये टू पे नहीं भाई, ये टेन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या होगा, टेन माइनस, जब एक्स को इसमें टेन आप पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, टेन ए प्लस बी, ठीक है ये। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एट द सेम पॉइंट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टेन प्लस, एक्स की वैल्यू क्या है, टेन प्लस, चलो एक्स की वैल्यू है टेन प्लस, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन टेन, एंड एक्स अगर टेन से ग्रेटर है इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 21, सो यहाँ क्या लिखेंगे, 21। अब ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट मैंने आपको काफ़ी बार बताई है कि क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 21 ही रहेगा। अगेन क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एवरीवेयर, तो ये 2 और 10 पे भी कंटिन्यूस होगा, मतलब 10 पे भी कंटिन्यूस होगा, 10 पे अगर ये कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो 10 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। सो हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 10, राइट। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास पहले से, कौन सी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, माइनस 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 ये कट हो गया, 10 माइनस टू 8a इज इक्वल टू ये 16 बाकी बचेगा, और a यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2a, a हमें मिल चुका है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे, सो b की वैल्यू क्या होगी भाई, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, एंड a की वैल्यू क्या है, 2, सो ये हो गया 2 2 4, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b क्या आएगा, 1 3, सो a एंड b हमें फाइंड करने थे जो हमें मिल गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करवाने से पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताता हूँ। जैसे बच्चों ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है, या नहीं होता है, पता है, चलो फिर चेक कर लेते हैं, नहीं पता है, आएगा आगे कैसे रेड हो रखी है, शौकीन है, तबीयत खराब है, लेट एक्स, लेट ए बिलोंगिंग टू जेड, ए को मतलब क्या है, ए कोई इंटीजर है, ठीक है, ए अगर इंटीजर है बच्चों तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू ए इस फंक्शन की लिमिट डिस्कस करें तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस, मतलब एक्स ए को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, एक्स ए को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, और एक्स ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू ए से क्या होगी, स्मॉलर, अच्छा यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू, अच्छा और एक बात और, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स को क्या पुट करते हैं, ए माइनस एच, जो भी लिमिट पॉइंट होता है दैट माइनस एच, बताया था मैंने पिछली क्लास में भी और 11th में भी बताया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स को क्या पुट करना है, जो भी लिमिट पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट यहाँ पर ए है, ए माइनस एच, लिमिट पॉइंट माइनस एच, जैसे ही एक्स ए को अप्रोच करेगा एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, जितना एक्स ए के नज़दीक जाएगा एच उतना जीरो के नज़दीक जाएगा, सो हमारी लिमिट, अब नई लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एच, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एच, ये हमने अज्यूम किया है, पुट किया है एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। अच्छा एक बात बताओ, ए कोई इंटीजर है, क्या है ये, इंटीजर है, मान ले वो इंटीजर टू है,
या आप कुछ और भी अज्यूम कर सकते हो। तो 2 माइनस एच का मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा नंबर, 2 माइनस 0.001, 2 माइनस 0.001। तो 2 में से 0.001 माइनस हुआ, क्या बन गया ये नंबर, 1.999 समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा, 1.999, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कौन बताएगा, विष्णु, इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, अच्छा 1.999, मैं कह रहा हूँ 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो क्या हो जाएगा भैया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, ठीक है। किसी भी डेसिमल नंबर का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ढूंढते हो तो उसके लेफ्ट साइड, यहाँ के नंबर का ढूंढ रहे हो आप, उसके लेफ्ट साइड वाले इंटीजर को देख लो, ठीक है, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो बच्चों इसका ए कोई इंटीजर है उसमें से एक छोटा सा नंबर माइनस हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन गया, दिस, यानी कि इससे एक कम, इससे एक कम। अगर कोई इंटीजर नंबर हो उसमें से छोटा सा भी नंबर माइनस हो गया तो उस नंबर का फिर पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जो भी ये नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर, इससे एक लेस आएगा। जैसे कि इस केस में देखो 2 से एक लेस आया है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा बच्चों ए माइनस वन, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस, एक्स ए को कहाँ से अप्रोच करेगा, राइट साइड से। अगर एक्स ए को राइट साइड से अप्रोच करेगा, लेकिन यहाँ तो सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, एक्स ए को लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, क्या रहना है, फंक्शन की वैल्यू तो सेम रहनी है, ए प्लस। सर ने कौन सा बच्चा निकाला था, तूने केस करके से दिया। चलो देखो भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एच, क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। देखो ए को इंटीजर है 2, इसमें आपने एक छोटा सा नंबर जोड़ दिया तो 2.001 हो गया, ठीक है, इसमें आपने छोटा सा नंबर जोड़ दिया 2.001 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे तो क्या आएगा, 2। इसका ग्रेट, ये 2.001 नंबर है, 2 यहाँ पर है, इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन सा है, 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सेम ही रहेगा, यानी कि a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, a, a अगर इंटीजर है तो a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही रहेगा। अब आप देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, राइट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, इम्प्लाइज एफ एक्स क्या अभी, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूस है, ए का मतलब इंटीजर, ये तो कोई रैंडम इंटीजर था, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो याद रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। 19th क्वेश्चन को देखो, 19th क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, शो दैट द फंक्शन जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये सारे इंटीजर्स के ऊपर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, वही हमें शो करना है। देखो भाई फिर से वही ले लेते हैं, लेट
ए बिलोंग्स टू जेड, ए क्या है कोई इंटीजर है, ए क्या है कोई इंटीजर है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस, एट एक्स इज इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस, ठीक है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा तो रखें यहाँ पर एक्स को क्या रखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच, और लिमिट हो जाएगी एज अप्रोचेज टू जीरो, ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, ए माइनस एच माइनस, बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ए माइनस वन, क्योंकि ए इंटीजर है, ए इंटीजर है, लाइक थ्री, थ्री माइनस पॉइंट जीरो जीरो वन तो कितना बन जाएगा, टू पॉइंट जीरो जीरो नाइन बन, नाइन 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 बन जाएगा, और 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, समझे, टू, यानी कि 3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 माइनस वन लिख सकते हो ना, ठीक है, यदुस आ जाए, यदुस आ जाए, रुक जाए खोलता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए माइनस एच माइनस ए प्लस वन, बच्चों एच को जीरो डाल दो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, आंसर निकालो क्या होता है, देख ले जो तेरा मन करे वो कर लो। So, इसको इससे कट कर दिया बच्चों, एच को जीरो डालोगे तो क्या आएगा, वन, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, करो जरा इसको ट्राई, एक्स को हम पुट करेंगे भी ए प्लस एच, ठीक है, क्या आ गया ये, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए प्लस एच माइनस, ये ए, अच्छा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ए आएगा, ये कट हो जाएंगे, एच की लिमिट हम क्या पुट करेंगे, जीरो, तो ये राइट हैंड लिमिट जीरो आएगी, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटरवल्स, क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो जरा, इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस शो करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, कोई मोड वगैरह की क्रम भी नहीं है, ये दिया हुआ है पाई पे हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एल एच एल आर एच एल निकालने की बजाय इस फंक्शन की सिंगल लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई लिमिट, फंक्शन की लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, ठीक है, अगर आप चाहो तो एल एच एल आर एच एल भी निकाल सकते हो, एक स्क्वायर एच का बढ़ेगा उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें x को अगर आप पाई डालेंगे तो क्या आ गया भाई, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में फाइव, ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर
माइनस साइन पाई जीरो प्लस में फाइव, पाई स्क्वायर प्लस फाइव आ गया इसकी लिमिट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई, पाई पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में फाइव, अब पाई स्क्वायर साइन पाई जीरो प्लस फाइव, ठीक है। दिस इंप्लाइज फंक्शन की लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई एफ एक्स किसके इक्वल है भाई, फंक्शन की वैल्यू एट पाई। दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ डेफिनेशन से बच्चों ये लिखो, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है ठीक है, और आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ठीक है, आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एनी पॉइंट। तो हम ले लेते हैं लेट ए इज एनी रियल नंबर, ए क्या है, कोई रियल नंबर है, और हम इस रियल नंबर पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। सो क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। पहले तो हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू ए ही रखेंगे साइन एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या पुट करते हैं, एक्स को ए माइनस एच, तो यहां पर एक्स को हम क्या पुट करें, ए माइनस एच, पुट क्या करेंगे एक्स को, ए माइनस एच। जैसे ही एक्स ए को अप्रोच करेगा, एक्स अप्रोचेस टू ए, एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, एच हमेशा जीरो को ही अप्रोच करता है, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ ए माइनस एच, साइन ऑफ ए माइनस एच क्या आएगा यहाँ से, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ए इंटू साइन एच, नहीं साइन ए इंटू कॉस एच, आइडेंटिटी लगाओ, माइनस कॉस ए साइन एच, कॉस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, सॉरी एच को आप जीरो डालो इसमें, साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एच क्या होता है, एच को जीरो डालो, कॉस जीरो इज वन, माइनस कॉस ए, एच को जीरो डालोगे तो साइन एच जीरो, साइन ओके क्या आ गया, साइन ओके माइनस ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपने एल एच एल फाइंड किया है, आर एच एल फाइंड करो जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है कहाँ से,
राइट हैंड साइड से x ग्रेटर देन a होगा, भले ही x ग्रेटर देन a हो, यहाँ तो फंक्शन की डेफिनेशन ही फंक्शन की क्या है, सिंगल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ a, साइन ऑफ x, सॉरी x को क्या पुट करना है, a प्लस एच, पुट क्या करना है, a प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ क्या आएगा यहां पर, a प्लस एच, साइन ऑफ a प्लस एच, ठीक है। एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करना है, साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच, देखो जरा क्या आ गया, एच को जीरो डालना है, साइन ए कॉस जीरो इज वन प्लस कॉस ए साइन जीरो इज जीरो, क्या आ गया है, साइन ए आ गया है, ठीक है। एल एच एल किसके इक्वल आया, और फंक्शन की वैल्यू निकालो कहाँ पर, ए पे, यहाँ से निकलेगी साइन ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल, फर्दर इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, ए, ए का क्या मतलब था, एनी रियल नंबर एट ए, ए तो कोई आर्बिटरी रियल नंबर है, एफ एक्स कंटिन्यूस है ए पे, इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। सो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर। बच्चों सिमिलर वे में लिखो, साइन एक्स इज कंटिन्यूस, साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, साइन एक्स हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है। सेकंड बच्चों, कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, साइन एक्स और कॉस एक्स एवरी वेयर कंटिन्यूस होते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं हर जगह पे, हर रियल नंबर पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। टेन एक्स सीकेंट एक्स आर कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, tan x and secant x every real number के लिए continuous होते हैं except to odd multiple of pi by 2, 90, 270, minus 90, minus 270, ऐसे numbers के लिए tan x और secant x continuous नहीं होते, ठीक है। Next, fourth, cot x, cosecant x are continuous for every x belonging to R, x is not equal to n pi, x is not equal to n pi, मतलब n pi को छोड़ के बाकी हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल
फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, फाइव टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं. सिक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन. मतलब जहां पर वो डिफाइंड है वहां कंटिन्यूअस भी होंगे. अपनी डोमेन में जो भी उनका डोमेन होगा उस पूरे डोमेन में वो कंटिन्यूअस रहेंगे. ठीक है भाई, ये ध्यान रखो. लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं. सिक्स्थ, सेवन्थ, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए भाई? जीरो नहीं होना चाहिए. सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशेंट, डिवीजन, डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑल्सो कंटिन्यूअस. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए. देखो जरा, 21st क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं. 21st क्वेश्चन का जैसे पार्ट ए है, इसको आप दो तरह से कर सकते हो. एक तो आपको दिया है, ज्यादा मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, और आ जाए तो जैसे हमने साइन एक्स वाला किया था वैसे कर देना, स्किप मत करना. ठीक है, जैसे हमने साइन एक्स वाला किया था ना, एक्स को ये लेके अभी अभी करवाया था, वैसे कर देना. और कम मार्क्स में अगर ये आ जाता है तो आप इसको क्या लिखोगे? सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. मतलब हर नंबर के लिए ये फंक्शन कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं. एंड जैसे इस केस में, इस केस में दो नंबर्स का सम है, जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसमें क्या लिख देंगे? इसमें तो लिखेंगे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस, एंड वी नो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस. इसमें सम लिख देंगे, जिसमें बीच में माइनस है उसमें क्या लिख देंगे? डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. जिसमें बीच में मल्टीप्लाई होगा उसमें क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, सम ऑफ टू नहीं ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम क्या होता है? कंटिन्यूअस ही होता है. इसलिए ये फंक्शन कैसे हैं, ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है. अगर इसमें प्रोडक्ट आ जाता तो सम की जगह प्रोडक्ट लिख देते, डिफरेंस आ जाता तो डिफरेंस लिख देते. वो क्वेश्चन ऐसे ही होगा. इसका दूसरा मेथड, एक तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो क्या करोगे? देखो जरा, ज्यादा मार्क्स में आए तो बच्चों आप अज्यूम करोगे लेट एक्स एक्स ए बिलोंगिंग टू आर, ए कोई रियल नंबर है, और इस ए पे हम इसके लिमिट्स निकालेंगे. तो पहले लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस
एफ एक्स की जगह क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब पुट करोगे एक्स को ए माइनस एच, जैसे ही एक्स ए को अप्रोच करेगा एच जीरो को अप्रोच करेगा, सो लिमिट क्या बन जाएगी, एच अप्रोचेस टू जीरो, एंड ये हो गया साइन एक्स, सॉरी एक्स नहीं रहेगा, क्या बनेगा ए माइनस एच कॉस ऑफ ए माइनस एच। बताओ क्या आया, इसको एक्सपेंड करेंगे सारा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से, जैसे अभी पीछे किया था, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी से आप एक्सपेंड करेंगे, एच को जीरो डालेंगे, कुछ टर्म जीरो बन जाएंगी, कुछ बचेंगी, फाइनल आंसर आपके पास आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ये करेगी राइट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फिर से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स को क्या डालना है ए प्लस एच, जैसे ही एक्स ए को अप्रोच करेगा एच जीरो को अप्रोच करेगा। बहुत पीछे तो नहीं छूट गए हो ना बच्चों, लिमिट क्या बन जाएगी आपको, एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ए प्लस एच, और यहां पर प्लस कॉस ए प्लस एच, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, फिर इसमें एक्सपेंड करेंगे जीरो, एच को जीरो डालेंगे, कुछ टर्म कैंसिल होंगे, कुछ बचेंगे, फाइनली हमारे पास आएगा बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए। अगर तीन से ज्यादा नंबर में आए तो ये वाला करना, तीन नंबर या तीन से ज्यादा में आए, नहीं तो दो नंबर तक ऊपर वाला कर देना, एक या दो नंबर में, निकलेगी यहां से क्या होगी साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो तीनों चीज इक्वल आ गई, क्या इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर हुआ। ऐसे इसके बाकी के दो पार्ट्स भी करने हैं आपको।